बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड से वो 3D में कॉरिडोर क्रिएट करने के बाद हम उसको स्प्लिट कैसे करते हैं या उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, ये फंक्शन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें अपने कॉरिडोर में एक से ज़्यादा असेंबलीज यूज़ करना हो या एक से ज़्यादा टिपिकल सेक्शन यूज़ करना हो तो फिर वो हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करके एक या एक, दो या तीन असेंबलीज इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, जब हम लोग कोई हाईवे कोई रोड डिज़ाइन करते हैं तो लाजमी बात है कि वो मुख्तलिफ जगहों से गुजरती होगी, जिसमें हमारे पास बिल्टअप एरिया भी होगा, कल्टिवेटेड एरिया भी होगा और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की साइड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे जहाँ से हम अपने रोड गुजारेंगे। तो हम बिल्टअप एरिया के लिए अलग किस्म का टिपिकल सेक्शन यूज़ करते हैं और जो हमारे पास कल्टिवेटेड एरिया हो या जहाँ पे कट या फिल हो, सिंपली कट या फिल हो, तो उसके लिए हम लोग अलग किस्म का टिपिकल सेक्शन यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड, आपने प्रोजेक्ट में देखा होगा कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा टिपिकल सेक्शन यूज़ हुए होते हैं। तो इस मकसद के लिए हम लोग स्प्लिट कमांड यूज़ करेंगे जो कि ऑटोकैड और 3D ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप क्या करें कि आप इस कमांड को यूज़ करने के लिए आप अपने असेंबली को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाए यहाँ पे स्प्लिट रीजन में, यहाँ से भी आप आ सकते हैं और आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई ओरिजिन रीजन में जाके यहाँ से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन ये आसान तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आ जाए रिबन में और यहाँ से आप स्प्लिट रीजन करें। स्प्लिट रीजन पर क्लिक करने के बाद देखिए कह रहे हैं कि सेलेक्ट अ रीजन टू स्प्लिट, कि अपने अपने रीजन को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यहाँ से जो मेरा कॉरिडोर है वो स्प्लिट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सेक्शन हो गया। आपके पास या भी जो भी कमांड आ जाए आपने इसको इग्नोर करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे मैसेज आए आप इसको इग्नोर करें। तो यहाँ से मेरा जो रीजन है वो स्टार्ट हो गया। दोबारा क्या सेलेक्ट अ रीजन टू स्प्लिट, तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक जो मेरा सेक्शन है वो स्प्लिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक। और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जहाँ पे जो भी मैसेज आएगा उसको मैं इग्नोर करके एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कॉरिडोर है वो तीन हिस्सों में तकसीम हो गया। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हो गया और इस तरह यहाँ से लेके एंड तक ये हमारे पास ये तीसरा जो इसका सेक्शन हो गया, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया है। और आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप लोग इसको आगे और पीछे भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमने क्या करना है कि इस जगह पे हमने अलग किस्म का टिपिकल सेक्शन यूज़ करना है। मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास बिल्टअप एरिया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये वाला जो सेंटर मीडिया वाला सेक्शन है ये यूज़ करूँगा, ये वाला जो सेक्शन है ये इसको यूज़ करूँगा। अगर आप यहाँ पर कोई बैरियर वगैरह लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। बहरहाल मेरे पास किसी किस्म का बैरियर नहीं है, मैं सिंपली चलिए मैं इस पर बैरियर लगा लेता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं होम पर ताकि आपको वाजें नज़र आ जाए। इधर से मैं कर लेता हूँ मेजरमेंट्स पर और यहाँ से ले लेते हैं आपको समझाने के लिए ये वाला। चलिए जी, इस पर भेजे भेजे। अब मैं कहता हूँ कि मेरे असेंबली नंबर 2 जो है वो सेंटर वाले कॉरिडोर पे अप्लाई हो जाए और ये असेंबली नंबर 1 जो मेरा है वो बाकी कॉरिडोर पे अप्लाई हो जाए। तो आपने क्या करना है कि आप अपने कॉरिडोर को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप आ जाए कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में। तो आप देखें कि अभी यहाँ हमारे पास तीन सेक्शन आ गए। पहले हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन था। अगर मैं यहाँ से कोई और फाइल फर्ज करें आपके लिए ओपन करूँ, ये मैं ये वाला फाइल ओपन कर लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया हुआ था, ये वो फाइल है हमारे पास। अगर इसको मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेता हूँ और कॉरिडोर प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉरिडोर है सिर्फ, और इस पर असेंबली नंबर 1 जो है वो अप्लाई हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा माउस के साथ असेंबली नंबर 1। तो अभी हमने यहाँ इसको स्प्लिट किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे तीन कॉरिडोर शो हो रहे हैं। आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ से आप आ जाए कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तीन हमारे पास रीजन शो हो रहे हैं। नंबर 1 पे भी हमारे पास असेंबली नंबर 1 है, नंबर 2 पे भी हमारे पास असेंबली नंबर 1 है और नंबर 3 पे भी हमारे पास असेंबली नंबर 1 है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेंटर वाला स्प्लिट एरिया है इस पे मैं असेंबली नंबर 2 अप्लाई करूँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आ जाए और आप असेंबली पे क्लिक करें। असेंबली पे क्लिक करने के बाद आप अपनी असेंबली सेलेक्ट करें। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी किस्म की असेंबली हो सकती है। तो मैं यहाँ से 2 को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा ओके कर लेता हूँ रीबिल्ड द कॉरिडोर करके। यहाँ से मैं इस मैसेज को क्लोज कर लेता हूँ। तब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस RD से लेकर इस RD तक डिफरेंट जो हमारे पास
असेंबली है वो क्रिएट हो गई है, हम आरडी चेक कर लेते हैं यहाँ से, कोई भी आरडी, फॉर एग्जांपल आरडी हमारे पास है 0.525, तो क्या करें, अपने कॉरिडोर को सेलेक्ट करें, यहाँ से आप आ जाए सेक्शन व्यू में और चेक करें 0.525 0, अब देखिए हमारे यहाँ पे जो सेक्शन है 0.0 पे वो सिंपली हमारे पास स्लोप वाला सेक्शन है, किसी किस्म के इसमें वॉकवे या सेंट्री मीडिया नहीं है। अभी हम आ जाते हैं 0.500 पे, 0.500 देखिए यहाँ पे अभी हमारे जो स्प्लिट एरिया है वो यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे आपको ये सेंट्री मीडिया भी नजर आ रहा है, इस तरह आपको ये वॉकवे भी नजर आ रहा है। अगर हम आगे जाएंगे तो देखिए आपको सारा जो है ये सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हम पीछे जाते हैं तो पीछे भी आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम इस एरिया से निकलेंगे देखो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ पे देखें, मैं वापस जा रहा हूँ, आप देखें इस ये हमारा स्टार्ट एरिया है, जैसे हम इससे बाहर निकलेंगे हमारा सेक्शन वापस अपना जो ओरिजिनल सेक्शन है उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आगे जाऊँगा आप देखें यहाँ से आगे तो ये वापस सेंट्रल मीडिया वाले सेक्शन पे आ गया। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेसन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग अपने कॉरिडोर में एक से ज़्यादा टिपिकल सेक्शन या अप्लाई या असेंबलीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।